हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आप सभी का द रॉयल फूडी की एक और नई वीडियो में। तो गाइस, चलते हैं कहीं और करते हैं बढ़िया सी पेट पूजा, और बताता हूँ कि मैं कैसा रहा मेरा आज का एक्सपीरियंस। सो स्टे ट्यून्ड गाइस। तो आज मैं आया हूँ स्वीट फार्म एंड केकरी पे। तो आइए अब चलते हैं अंदर और करते हैं इनके ओनर से बात। तो क्या नाम है भैया आपका? भाई मेरा नाम विकास है। और मतलब कितना टाइम हो गया आपको अपना ये फूड आउटलेट ओपन किए हुए? अपने लगभग 1.5 साल के करीब हो गया भाई। ठीक है। जामनगर में पहले ही मतलब देसी घी की प्योर स्वीट्स की दुकान किए हुए 1.5 साल हो गया। यहाँ स्वीट्स के साथ साथ फास्ट फूड, दही बल्ले, पिज्ज़ा, बर्गर, सैंडविच एक ही छत के नीचे, मतलब सारी अवेलेबल। जो भी आपको खाने का मन करे सब खाने का सब कुछ मन करेगा। जो भी केक होते हैं, बर्थडे, हर घर में बर्थडे बनता है आजकल। हाँ जी। छोटा सा छोटे प्रोग्राम हो, इसके साथ कैटरिंग का भी अपना एक अलग से वे चल रहा है। ठीक है। छोटी मोटी किटी पार्टी हो तो सारी चीज़ अवेलेबल आपको एक ही छत के नीचे हो जाएगी। ठीक है जी। और मतलब एड्रेस बता दीजिए एक बार, क्या पड़ता है एड्रेस? ये अपने अजान नगर की 1 नंबर गली के बिल्कुल अपोजिट है। ठीक है। और नियर सिटी हॉस्पिटल है, इसका लैंडमार्क पड़ेगा। ठीक है जी। चलिए जी, अब करते हैं कुछ बढ़िया सा ऑर्डर। चलो ठीक है, थैंक यू जी। यहाँ पर आपको बिल्कुल प्योर और बिल्कुल फ्रेश मिठाइयाँ मिलेंगी, जैसा कि आप देख सकते हैं। और यहाँ पे केक भी अवेलेबल हैं, और अगर आप चाहें तो आप अपनी पसंद का केक ऑर्डर पे भी बनवा सकते हैं। अब दिखाता हूँ जी मैं आपको इनका सिटिंग एरिया, जहाँ आप आराम से बैठ के अपने खाने का आनंद ले सकते हैं। अभी लग रही हैं जी हमारी गर्मा गर्म जलेबियाँ। भाई वाह, अब बारी आती है उन गर्मा गर्म जलेबियों की चाशनी में जाने की। ये बल्ले जी, अच्छा ये बल्ले और दही, ये बल्ले हो गए और दही हो गए, ये होगी पापड़ी। ये इसमें डाल दिया आलू। ये चाट मसाला हो गया, ये हो गया काला नमक। अच्छा काला नमक। और ये हो गया जीरा। फिर इस पे थोड़ा हरी चटनी। ठीक है जी। फिर इस पे हम डालेंगे दही। ये होगी दही। फिर इसमें डालेंगे लाल चटनी।
मीठी, इस पे थोड़ा सा हरी चटनी ऊपर से। फिर हम डालेंगे भुजिया। फिर ये अनार का दाना। हाँ जी, फिर ये थोड़ा सा चाट मसाला, ये थोड़ा सा जीरा। अभी ये हो गए तैयार। और अब हमारे भरे हुए गोलगप्पे आटे के लगाए जा रहे हैं। ये गई जी गोलगप्पों में ठंडी ठंडी दही। लाल चटनी और हरी चटनी। और अब ऊपर से भुजिया, क्रंची भुजिया। जी हाँ, अनार दाना। गर्मा गर्म मालपुड़े, गाजर पाक, गुलाब जामुन और काले गुलाब जामुन। तो जी, लग चुका है हमारा ऑर्डर, आइए। ऑर्डर किया है गर्मा जो गोलगप्पे होते हैं आटे वाले, और मालपुआ रबड़ी के साथ, और जलेबी, करारी जलेबी, और साथ में है दही बल्ले। तो आइए करते हैं शुरू। तो मैं करूँगा जो शुरुआत करारी जलेबी से, रबड़ी में डुबो के। तो ये जलेबी है बिल्कुल अभी फ्रेश बनी है, और जो क्रंचीनेस है ना वाकई में बिल्कुल लाजवाब है, और जो रबड़ी का टेस्ट आ रहा है ना साथ में, नेक्स्ट लेवल। अब बारी आती है जी हमारे दूसरे आइटम, भरे हुए गोलगप्पे आटे वाले। जितने ये दिखने में कलरफुल हैं उससे ज़्यादा ये खाने में टेस्टी हैं, मतलब हर इंग्रेडिएंट्स का अलग ही टेस्ट आ रहा है। बिल्कुल ठंडी दही है, क्रंची गोलगप्पे हैं, और जो मसाले चाट मसाला वगैरह डाला हुआ है काफ़ी यम्मी टेस्ट आ रहा है। बारी आती है जी हमारे तीसरे आइटम दही बल्ले की। दही बल्ले तो मेरे पहले से ही फेवरेट है यहाँ के, मैं स्पेशल दही बल्ले खाने ही आता हूँ यहाँ पे। और जो मतलब ये कुछ भी पुरानी चीज़ें यूज़ नहीं की हुई है इसमें, बिल्कुल ताज़ा
मतलब अलग ही लेवल का टेस्ट आया आ रहा है इसमें से। कुछ भी ऊपर नीचे नहीं है, सब मतलब बिल्कुल माइल्ड टेस्ट है और बहुत बहुत ज़्यादा यम्मी है। वाह, अब बारी आती है जी हमारी लास्ट आइटम मालपुड़े की, रबड़ी के साथ। ये किया मैंने इसको रबड़ी में डिप, वाकई में बिल्कुल पका हुआ मालपुड़ा है और रबड़ी का टेस्ट तो मैंने बताया था बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी है, मज़ा आ गया बिल्कुल। जी हो चुकी है मेरी आज की पेट पूजा और काफ़ी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, काफ़ी टेस्टी और काफ़ी यम्मी खाना था। और अब मैं चल रहा हूँ घर की तरफ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि मेरी नई नई वीडियोज़ आप सबको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।